हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो इंग्लिश सीखने में आपकी बहुत मदद करेगी, क्योंकि मैं इस क्लास में हर वीडियो में मैं बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी, फिर बहुत सारे सेंटेंसेस मैं आपको होमवर्क के लिए भी देता हूँ ताकि आप घर पे भी खुद प्रैक्टिस करके आप सीख सकें, और नेक्स्ट क्लास में उसका मैं आंसर भी देता हूँ ताकि आप चेक करके ये समझ सकें, पता कर सकें कि आपने जो बनाया है वो गलत बनाया है या सही बनाया है या आपने कितना सही किया है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पिछली क्लास में दिए गए होमवर्क के आंसर। ये रहा, आपने अगर बनाया है तो आप इससे मैच कर लीजिए, टैली कर लीजिए, अगर कहीं पर गलती है तो आप उसको सुधार लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। इन द लास्ट क्लास आई टॉट यू अबाउट द यूज ऑफ हैज टू और हैव टू, मींस जाना है, खाना है, पीना है, जाना पड़ता है, सोना पड़ता है, पीना पड़ता है, इस तरह से सेंटेंसेज आते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसका मैंने सिर्फ आपको अफर्मेटिव बताया था, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स बताना जरूरी होता है क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तुम्हें गीत नहीं गाना है, तो सबसे पहला है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको और हमेशा बताता हूँ कि नेगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो यू हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, यू हैव नॉट टू सिंग सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि यू हैव टू नॉट, टू के बाद नॉट लगाते हैं, तो ये गलत है, टू से पहले नॉट लगेगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है डू और डज से, तो डू का इस्तेमाल और डज का इस्तेमाल मैं नीड वाले में भी बताया हूँ और हैज में भी मैंने बता दिया, अच्छी तरह से बता दिया है, अगर आपको आपने नहीं देखा होगा तो आप, मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। ओके फ्रेंड्स, या प्लेलिस्ट में जाना और उसमें प्रैक्टिस, इंग्लिश प्रैक्टिस क्लासेस के स्टेप में जाना और उसमें जाकर आप सारा कुछ देख सकते हो। यू डोंट यानी डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म, डोंट हैव टू सिंग सॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, क्या उसे बाजार जाना है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दिया क्या वाले में, हैज ही टू गो टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग ये नीचे वाला जो सेकंड फॉर्मूला है ना, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, तो इसमें हैज है तो डज लगेगा, इसमें डज ही, फिर यहाँ पे हैव टू हो जाएगा, हैव टू गो टू मार्केट। क्या उसे बाजार नहीं जाना है, तो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हैज और नॉट को साथ में, तो हैजंट हो जाएगा, हैजंट ही गो टू मार्केट, या दूसरा जो फॉर्मूला है वहाँ पे डजंट हो जाएगा, डजंट ही गो टू मार्केट। ओके फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ये हो गया क्वेश्चन वर्ड्स, तो क्या मीन्स व्हाट, व्हाट डू यू हैव टू डू, दूसरा फॉर्मूला ये बनाते हैं, डू यू हैव टू डू, किसको जाना है, तो हु हैज टू गो, हु हैज टू गो। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मुलेशन है आपका, जो नियम है, दो तरीका है इसे बनाने का, जैसा कि नीड में या हैज है वाले में मैंने आपको बताया था दो दो तरीका, एक सिंपल वे में जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या हेल्पिंग वर्ब पहले रखकर इंट्रोगेटिव बनाना, और दूसरा डू और डज लगाकर। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। आपको दूध नहीं पीना है, यू हैव नॉट टू ड्रिंक मिल्क, या यू डोंट हैव टू ड्रिंक मिल्क। उसे बाजार क्यों जाना है, वाई हैज ही टू गो टू मार्केट, या वाई डज ही हैव टू गो टू मार्केट। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। उसे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, ही डजंट हैव टू प्ले विथ यू। तुम्हें कुर्सी पर नहीं बैठना है, यू डोंट हैव टू सिट ऑन द चेयर। फ्रेंड्स, मैं
कभी डू डज से बनाऊंगा, कभी हैज हैव से भी बनाऊंगा, आप समझ जाना। ओके फ्रेंड्स, लेकिन दोनों तरीके से बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तुम्हें उस नदी में नहीं नहाना है, यू डोंट हैव टू टेक बाथ इन दैट रिवर। उन लोगों को यहाँ नहीं आना है, दे डोंट हैव टू कम हियर। तुम्हें मेरे पास नहीं आना है, यू डोंट हैव टू कम टू मी। तुम्हें ऐसा क्यों करना है, व्हाई डू यू हैव टू डू दिस। मुझे क्या करना है, व्हाट हैव आई टू डू, या व्हाट डू आई हैव टू डू। तुम्हारे पिताजी को कहाँ जाना है, वेयर डज योर फादर हैव टू गो। मुझे दरवाजा क्यों खोलना है, व्हाई डू आई हैव टू ओपन द डोर। किसको दूध पीना है, Who has to drink milk? क्या आपको बाजार में सब्जी खरीदना है, Do you have to buy vegetable in the market? क्या मुझे उसके साथ जाना है, Do I have to go with him? क्या आपको कार चलानी है, Do you have to drive car? मुझे यहाँ नहीं ठहरना है, I have not to stay here, या I don't have to stay here। तुम्हें गर्म पानी से नहीं नहाना है, You don't have to take bath with hot water। उसे काम क्यों करना पड़ता है, Why does he have to do work? तुम्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, Why do you have to teach children? आपको ऐसा कैसे करना है, हाउ डू यू हैव टू डू दिस। मुझे आपके घर पे कब आना है, व्हेन डू आई हैव टू कम टू योर हाउस। हमें मैच कब खेलना है, व्हेन डू वी हैव टू प्ले मैच। आपको उससे क्या बात करनी है, व्हाट डू यू हैव टू टॉक टू हिम। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सारे सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, अभी रहा आज का होमवर्क, तो ये रहा आज का होमवर्क, आप इन सारे सेंटेंसेस को समझ कर बनाना, अच्छी तरह से बनाना। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।